ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हे दुग्गा, चल जल्दी चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। क्या हुआ दीदी, ऐसी हड़बड़ाहट में सब लोग क्यों निकल रहे हैं? सब मर्द आएंगे तो हम यहाँ कैसे रुकेंगे? निकलना नहीं होगा हमें, चल चल निकलते हैं। गई कहाँ वो लड़की, किसी मुसीबत में तो नहीं? मुसीबत तो वो छोटी बच्ची है। ऐसा सोमू दादा कह रहे थे, पर सच्ची दादा इतनी भी सीधी नहीं है वो जितना आप उसको समझते हैं। देखना, कोई ना कोई नई शरारत सूझी होगी उसे। भोली है वो, शरारती नहीं है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, और अगर नहीं हुई तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। सोम, बटुक, जाओ तुम लोग भी अपनी बॉडी को ढूंढो। कहा ना छोटे मालिक कि कमरे में नहीं है छोटी मालकिन। पकड़ी गई तो बंदता हो जाते यार दंड पाने के लिए। मालिक आप यहीं पे है ना, थोड़ा चिकोटी काट के देखूं? गाल आगे कर लो, पता चल जाएगा मैं यहीं हूं। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो बच्चों को डांटना अच्छी बात है? बस पूछा मैंने, डांट सकते हैं आप मुझे चाहे तो मैं तुम्हें, क्यों डांटूंगा? तुम तो एक्सरसाइज कर रही थी ना, एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है। क्या कहा? एक सर ही है मेरे पास। तुमने ठीक से देखा नहीं कमरे में, और बाहर आके बोल दिया कि कमरे में नहीं है बच्चे। ऐसी लापरवाही से काम करते हो बिहारी। मालिक, हमने कमरे का कोना कोना खंगाल दिया था, नहीं थी मालकिन कमरे में। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची कहां से आ गई? प्रकट हो गई हवा में से? हवा में प्रकट हो सकते हैं? आता है ये जादू आपको? नहीं, बताओ ये छोटी सी बच्ची तुम्हें क्या लगता है वो खिड़की में से कूद कर आ गई कमरे में? पति बाबू को पता चल गया क्या? बिहारी, कुछ बदबू नहीं आ रही है। सूंघ लिया है तो देख भी लेंगे पति बाबू के बिस्तर गीला किया था मैंने रात को। नहीं, नाक बंद है तुम दोनों का। Thank you.
क्या लगा था पता नहीं चलेगा मुझे। बिहारी, तुम सर पे जो तेल लगाते हो वहीं से नहीं आ रही है बदबू? इतनी बार कहा है तुमसे मत लगाया करो ये तेल। जाओ अपना सर धोकर आओ। मालिक, सरसों का तेल सुना नहीं? और हाँ, इस बच्ची को नाश्ता दे देना और वो मेहमानों वाला कमरा साफ कर देना और मेरा कमरा साफ करवा देना। कमरा साफ करवाया तो इन लोगों को मेरा बिस्तर गीला करने वाला राज पता चल जाएगा। तब तक मैं स्टडी में हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस कमरे से। मैं मेहमान हूँ क्या इस घर में? नहीं, पर तो क्यों नहीं रह सकती मैं इस कमरे में? जहाँ आपका सामान रखा है वही मेरा कमरा होगा ना? मुझे यही रहने दीजिए ना। पर ठीक है, ठीक है, तुम इसी कमरे में रह लेना। फिर आप कहाँ रहेंगे छोटे मालिक? मैं आज से स्टडी में रहूंगा। बिस्तर लगवा दो मेरा वहां। संपूर्णा दीदी ने सही कहा था, मुझे किसी भी तरह इस कुर्सी को छुपाना होगा। अरे मिलेगी नहीं अभी तक। हर को परेड का मैदान बनाने की जरूरत नहीं है काका। बिहारी ने देखा नहीं ढंग से, बच्ची कमरे में ही है मेरे। क्या संस्कारों की बलि चढ़ानी है क्या इस घर में? लाज शर्म का कोई मोल है कि नहीं? कैसे रह सकती है एक ही कमरे में तुम्हारे साथ बहू अनिरुद्ध? जानते नहीं पति पत्नी तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक पति पत्नी नहीं है हम काका। ये बात आपको और कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे? और रही बात कमरे में रहने की, तो वो लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी। आज से मैं रहूंगा स्टडी। मालिक, धरती फट जाए और उसमें समा जाए। कौन समा जाए? बड़े मालिक, मतलब जो झूठ बोले वो समा जाए। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, जब पहली दफा कमरे में गया तो मालकिन वहां नहीं थी, लेकिन जब दूसरी दफा अनिरुद्ध बाबू कमरे में गए तो मालकिन थी। मालकिन में कुछ गड़बड़ है। आपने तो सुना होगा ना मालिक, गांव में सबको आता है। क्या आता है? काला जादू। इस कुर्सी को तो सुखाना होगा जैसे माँ सुखाती थी, फिर बदबू नहीं आएगी इसमें से। पर ये तो बहुत भारी लग रही है, मैं तो उठा भी नहीं पाऊंगी।
मुसीबत खत्म नहीं करती, दूसरी शुरू कर देती हूँ मैं। क्या होगा तेरा बंद सा? कितनी अच्छी खुशबू, ऐसा लगता है जैसे कि बगीचे के सारे फूल निचोड़ कर इसमें रख दिए होंगे। कितनी बढ़िया चीज है ये, पर क्या कहते होंगे इसे, फुलवारी? नहीं, फुसफुस से आवाज करती है तो जरूर इसका नाम होगा फुसफुस। हाँ, फुसफुस। कमरे में बिल्कुल बदबू नहीं है, खुशबू आएगी सिर्फ जादुई फुसफुस मिल गया है मुझे। अब इसकी जादू से किसी को नहीं पता चलेगा कि बिस्तर गीला किया था मैंने रात में। काका काका, कल रात को मिट्टी का बना हुआ आम खड़ी थी वो, मैंने उसे रोका भी कि मिट्टी का बना हुआ है, पर मेरी एक नहीं सुनी उसने। गरीब घर की लड़की है, भुखमरी में पली है, आम पहले देखा भी होगा भला। अरे मिट्टी का क्या, पत्थर का होता तो भी खा गई होती। पर मुंह लगाने से पता तो चला होगा, मिट्टी तो खाई होगी ना उसने, पर फिर भी पूरा खत्म किया उसने और बड़ी सी डकार मारते हुए कहा कि एक से क्या होगा मेरा। इस मिट्टी के आम की बात कर रहे हो भटूक? क्यों, क्या हुआ? सोच रहे हो कि उस लड़की के पेट से निकलकर मेरे हाथ में कैसे आ गया? खबरदार भटूक, अगर कोई शिकायत की उस लड़की की, वो मालकिन है इस घर की। त्रिलोचनदास सोम, सुन लो ना सब, हम सबको सेवा करनी है उस लड़की की, वो मालकिन है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना सबको? अब क्या फायदा है खिड़कियां और दरवाजे बंद करके, मुंह छुपाने से सच छुप जाएगा क्या? सच तो सबके सामने एक ना एक दिन बाहर आना ही है, और तुम जानते हो कि तुमने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है उस लड़की को इस घर में लाकर, और हर दिन और हर पल उसका भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें अनिरुद्ध। घाव को भी भरेगा क्या? शांत बिनोय, तुमने कल रात उसे मौका दिया था ना अपनी बात कहने का, गवा दिया उसे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अनिरुद्ध को उस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकारना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने रिश्तेदारों और संगीत साथियों को आज बाशी बिहे की रस्म के लिए न्योता भिजवा दिया है। मालिक, ए लड़की, क्या कर रही हो बहू? बिना आज्ञा के मेरी पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? ऐसे जानता हूँ हाथ कैसे लगाया जाता है, तो पूछा क्यों? त्रिलोचन रॉय चौधरी पूछता नहीं, बताता है, और कान खोल कर सुन लो, बिना हाथ शुद्ध किए पूजा के सामान को हाथ नहीं लगाया जाता। नहाई हो? मैं तो सुबह सबसे पहले उठकर नहाने गई ससुर जी, जाना ही पड़ा था, वरना पता नहीं चल जाता कि क्या क्या पता नहीं चल जाता क्या? बिस्तर क्यों सबसे पहले उठ के नहाना पड़ा, बोलो। वो बिस्तर, बिस्तर पर देर तक सोना नहीं चाहिए ऐसा माँ कहती है, सुबह उठकर नहाए धोए और पूजा किए बिना खाना नहीं खा सकती ना मैं। अच्छा,
शुक्र है देवी माँ का, भले खाली हाथ भेजा पर मन में कुछ संस्कार डाल के तो भेजा है। हाँ, सब सिखाया माँ ने, पति बाबू के बाद खाना, रसम करके घर के अंदर जाना, बड़ों की बात को समझना, पति बाबू को भगवान मानना, सब सिखाया मेरी माँ ने। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ऐसा माँ कहती है, मैं मामी नहीं मानती। वो कहती थी कि तूफान ला दूंगी मैं ससुराल में, पर अभी तक तूफान लाई मैं? कुछ गंडोगुल किया मैंने? बताइए मामी भी ना। हंसना क्यों शुरू कर देती हो? ये बात बात पे दांत दिखाना जरूरी है? बात बात पर दांत? कितना अच्छा मिला है आपने बात और दांत, मुझे भी आता है मिलाना। बताऊं, बात बात पे डांट खाना जरूरी है? दांत को डांट कर दिया मैंने। चुप चुप, तुम कोई गांव की मामूली लड़की नहीं हो, आज से तुम सिर्फ बोंदेता नहीं, बोंदेता रॉय चौधरी हो। रॉय चौधरी खानदान की बड़ी बहू बन चुकी हो तुम, और एक बड़ी बहू की तरह परिवार की सारी रीति रस्में भी निभानी होंगी तुम्हें। जैसे आज की हर सुबह पूजा आरती करनी होगी, हवेली के मान सम्मान और मर्यादा का पालन करना होगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा, चलो शुरू हो जाओ। त्रिलोचन दा ने नई नाटक कंपनी खोल ली। सोम जी बाबा, जाओ और सुदामिनी के घर जाकर देखो कि कैसी है वो, हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। जी। आज तो काजू पिस्ता है पेशाब में, गया यहाँ से तो सारी यही खा जाएगी। ए, नहाए बिना तुम रह सकते हो पूजा में? सुना नहीं क्या कहा था ससुर जी ने? रुक, इसकी माँ के पास भेज दूँ क्या तुम्हें भी कुछ संस्कार सीखने के लिए? सूरज सिर पे चढ़ा आया है, नहाने का समय नहीं मिला अभी तक तुम्हें, चलो जाओ नहाओ, नहीं तो प्रसाद तो क्या, एक दाना खाना भी नहीं मिलेगा। फिर से मिला आपने दाना खाना? मैं भी मिलाऊं? दाना खाना है तो पड़ेगा नहाना। चलो बहू। देख तो कौन मिलने आया है तुझसे। देख तो सो, कल रात से इसके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा है, ऐसे ही रहा तो तबीयत ना बिगड़ जाएगी इसकी। इसके बाबा भी नहीं है जो हाथ पकड़कर खिला देते इसे। अनिरुद्ध से जब भी झगड़ा होता था इसका तो तू ही मनाता था ना इसे, तो अब भी तू ही मना। बौदी, हमेशा से आपको ही बौदी माना है, और अब भी सिवाय आपके किसी और को बौदी नहीं कह पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा। कैसी दिखती है वो? सुंदर है। कौन? अनिरुद्ध की पत्नी।
अगर जवाब नहीं दे सकते तो एक काम करोगे मेरा? बोलिए। एक उपहार देना है तुम्हारे अनिरुद्ध दादा को, दे दोगे? प्लीज इनकार मत करना। प्रणाम ससुर जी। आप यही सोच रहे हैं कि कैसे बूझा मैंने कि आप मेरे ससुर जी हैं? बताओ, बता ही देती हूँ। मुझे पता चला क्योंकि जैसे मैं दिखती हूँ मेरी माँ जैसी, वैसी बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं मेरे पति बाबू। ठीक पहचाना तो दीजिए ना। लगता है बहू का परिचय परिवार से करवाना ही होगा। आपकी चिट्ठियां, उनके तोहफे, हर सामान जो उनकी याद बनकर आपके पास है, वो वापस लौटाने के लिए कहा है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अकेली तो वो ही है ना, आपने तो चुन लिया। आपको किसके साथ अपना जीवन बिताना है? मेरे चेहरे पर शादी की खुशी दिखाई देती है तुम्हें? मेरे दिल में क्या तूफान उमड़ा है ये तुम समझ सकते हो? कोई समझेगा मेरा दर्द यहाँ? नहीं तो चले जाओ मुझे छोड़कर। क्या किया आपने दादा? आप भी खुश नहीं हो सुदामिनी बोध? सुदामिनी दीदी भी खुश नहीं है, घर पे कोई और खुश नहीं है, तो आपने क्यों किया ऐसा? बहू, ये बटुक है, तुम्हारे पति का सबसे छोटा भाई। पैर छूने पड़ेंगे तो छूओ ना, मना किया है क्या? तो मैं छूने पड़ेंगे मेरे पैर। मैं क्यों छू? क्योंकि मैं लंबी हूँ तुमसे, दिखता नहीं। चलो छुटकू महाराज, छुओ मेरे पैर। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? अरे अरे, क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना? ये सोमनाथ है तुम्हारे पति का मंझला भाई, रिश्ते में छोटा है तुमसे। इसके पांव छूके इसको पाप का भागीदार बनाओगी? छोटे तो पति बाबू से।
पर मुझसे तो लंबे भी और बड़े भी है ना। शादी के बाद लड़की का ओहदा उसके पति के ओहदे से मापा जाता है, यह नहीं सिखाया माने? अनिरुद्ध घर का सबसे बड़ा बेटा है, इस नाते इन दोनों भाइयों की बड़ी बौदी हुई तुम। सोम चाहे उम्र में तुमसे बड़ा हो, ओहदे में तुम बड़ी हो। मैं बड़ी बौदी हुई तो मेरे पैर छूने पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, मैं क्यों छूंगा इसके पैर? मैं तो बॉडी भी नहीं कहने वाला ऐसे कभी। बोलती बुलाना अच्छा नहीं लगता, तो आप बॉन्डेता बुला लेना मुझे, जैसे मेरी संपूर्णा दीदी बुलाती है मुझे। सोमनाथ दादा, मेरे पति बाबू घूम गए हैं हवेली में, आप उन्हें ढूंढ देंगे? अगर उनके पैर नहीं छुए तो पाप नहीं लगेगा सर पे। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती कि तू घूम जाएगी हवेली में? कभी देखी भी है इतनी बड़ी हवेली? बटोक, बहू स्टडी में है अनिरुद्ध, जाओ जाकर उसका आशीर्वाद ले लो। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.